हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये कहानी भी है जॉइंट फैमिली की, यानी दो भाइयों की कहानी। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के तीन तीन बच्चे हैं। दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में और एक फैमिली नीचे वाले पोर्शन में, यानी एक ही घर में बहुत सारे रिश्ते, अम्मी अबू, चचा ताया, भाई भाभी, देवरानी जेठानी और बहन भाई हैं। मगर इस घर की जान है इनके बच्चे। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये है रायान, ये है सनी और ये इनकी प्यारी सी आपी अनाया। ये तीनों हैं बड़े भाई के बच्चे और रहते हैं नीचे वाले पोर्शन में। और अब मिलवाते हैं बाकी बच्चों से। ये है शेरी, ये है आयमा और ये क्यूट सा दानी। ये तीनों हैं छोटे भाई के बच्चे और ये रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। जिस घर में लोग ज्यादा हों वहाँ सब कुछ ही ज्यादा होता है, यानी प्यार, मोहब्बत, बरकत, इत्तेफाक और रौनक। मगर इन सब के साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। और इन्हीं चीजों से एक मुकम्मल घर बनता है। और हर घर में बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की आँखों के तारे। मगर इस घर में तारों के साथ साथ चंदा भी है, इसलिए हम कहते हैं कि इस घर में रहते हैं चंदा तारे। आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हम आकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। स्कूल से वालेकुम सलाम। बेटा ये आपकी शर्ट कैसे गीली हुई है? वो अम्मी अम्मी वो वैन में एक बच्चा था ना, उसकी पानी की बोतल मेरे पे गिर गई। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आप लोग के लिए खाना लगवाती हूँ। रायान आपका टेस्ट था मैथ्स का? अम्मी अम्मी मैंने फुल मार्क्स लिए हैं। अरे वाह शाबाश मेरा बच्चा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आपने पढ़ना नहीं है, ओके? आपको पता है ना कि आपने खाना खाने के बाद सिर्फ एक घंटा रेस्ट करना है और फिर पढ़ाई पूरे दो घंटे और फिर। अम्मी अम्मी मैं बताता हूँ, दो घंटा पढ़ाई, एक घंटे की ब्रेक जिसमें हम कोई भी पूरी गेम नहीं खेल सकते, फिर कारी साहब, फिर एक घंटे की पढ़ाई और उसके अंदर हम अपना लेसन को रिवाइज करेंगे, फिर एक घंटे की ब्रेक उसमें हम टीवी देखेंगे और मजे की बात तो उस एक घंटे में हमारा कोई भी फेवरेट शो नहीं लगता, फिर 3:30 बजे हम खाना खाएंगे, फिर अब्बू के साथ जबरदस्ती की वॉक और फिर 10:00 बजे सो जाना। ओह तो मेरा बच्चा जिंदगी में डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। चलो साहब जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना। बच्चों आप कुछ देर रेस्ट करके फिर पढ़ लेना, मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। जी अम्मी। शेरी बेटा आपका मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ?
वो अम्मी। हाँ अक्सा, कैसी हो? मेरी नई शर्ट देखी? नहीं, भाभी को नहीं दिखाई अभी। हाँ हाँ, बहुत सी शॉपिंग की है मैंने। What a coincidence! बल्कि ये कहना चाहिए दिल को दिल से राह होती है। आप दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं किसको वोट दूं। बहुत प्यारी लग रही हो सदफ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं मिस भाभी। बच्चो, आयमा और शेरी, आपने बताया नहीं मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ आपका? अम्मी बताए, शेरी भाई मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गए हैं। देखो उन लोगों को कितनी मेहनत करते हैं वो। और एक काम, अगर मैंने आप दोनों को सनी और रयान के साथ नीचे जाके खेलते हुए देख लिया तो फिर देखना, अपनी बुक्स पकड़ो और अगले 2 घंटे तक पढ़ने के अलावा कुछ और करते नजर नहीं आओ। चलो आपने बताया नहीं मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ आपका? अम्मी बताए, शेरी भाई मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गए हैं। तुम चुप करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और वैसे भी तुम्हारे कौन से अच्छे मार्क्स आते हैं? लेकिन मैं फेल तो नहीं ना आती। चुप करो आप दोनों। और शेरी, आप कभी कोई अच्छी न्यूज मत देना मुझे। क्या हुआ था, तैयारी नहीं की थी? की थी अम्मी। तो फिर सवाल मुश्किल थे? नहीं, सवाल तो आसान थे लेकिन जवाब मुश्किल थे। अम्मी पता है, रायान भाई के फुल मार्क्स आए थे, उन्होंने स्कूल से आते हुए बताया था। क्या शेरी, देखो उन लोगों को कितनी मेहनत करते हैं वो। और एक काम, अगर मैंने आप दोनों को सनी और रयान के साथ नीचे जाके खेलते हुए देख लिया तो फिर देखना, अपनी बुक्स पकड़ो और अगले 2 घंटे तक पढ़ने के अलावा कुछ और करते नजर नहीं आओ। चलो दानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। ये इत्तफाक क्या होता है? इत्तफाक का मतलब है मिलजुल कर रहना। जैसे आप, मैं, सनी भाई, शेरी भाई, आयमा अपी, हम सब मिलकर रहते हैं और मिलकर खेलते हैं। शेरी, आयमा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? आप कौन सी कहानी सुना रही थी? मैंने भी सुननी है, शुरू से सुनाए ना। आपी, आपने इसको कोई कहानी नहीं सुनानी, ये बहुत बदतमीज है। आज इसने मेरे पे पानी वाले पाइप से पानी स्प्रे किया था और मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी। हाँ, और इसने अम्मी को मेरी शिकायत भी लगा दी कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ। बुरी बात, लड़ते नहीं है। चलो अभी आपको आयमा सॉरी कर देती है, दोस्ती करो। सॉरी, चलो इट्स ओके। मुझे पता था आप तीनों यही पाए जाओगे, इतना लंबा लेक्चर देने का कोई असर नहीं हुआ। नहीं अम्मी, हम तो बस चंदा अपी से पढ़ने के लिए आए थे, आपने तो खेलने से मना किया था ना। जी चाची जान, मैं इनको होमवर्क ही करवाने लगी थी। जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ पे ये लोग कितना पढ़ लेंगे। अम्मी, मुझे तो शेरी भाई लेकर आए थे। अम्मी, मैं तो चंदा अपी से स्टोरी सुन के आ जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, उठो आप दोनों, चलो। चलो आप ऊपर। मिस्बा भाभी,
मिसबा भाभी, क्या हुआ सदा? आपके बच्चे खुद तो पढ़ लेते हैं, मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, फिर वो पीछे रह जाते हैं। आप समझाती क्यों नहीं है अपने बच्चों को? आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को भी बिगाड़ दिया। क्या, मेरे बच्चे? ओ प्लीज, खुद तो तुम्हें उनकी पढ़ाई का होश होता नहीं, और इल्जाम मेरे बच्चों पे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आप कहाँ मानेगी अपनी गलती। वैसे भी अब मैं आपको क्या कहूँ, आप बड़ी हैं। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, सिर्फ एक दो साल का ही फर्क होगा हम दोनों के बीच में। जी नहीं भाभी, अब सरासर ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। सदफ, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी फजूल बहस में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अम्मी, मैं आज ही बच्चों को सिखा रही थी कि इत्तेफाक में बरकत, अगर आप और चची जान हर वक्त लड़ती रहती हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। बेटा ये बात जाकर अपनी चची जान को समझाओ, शुरुआत हमेशा वो करती है। बस मैंने कह दिया है ना, अब आप लोगों में से ऊपर कोई नहीं जाएगा। चंदा, आपको बहुत शौक है इन तमाम बच्चों की ट्यूटर बनने का। तो क्या हुआ अम्मी जान, वो भी तो मेरे बहन भाई हैं। तो बेटा मैंने इस बात से कब इनकार किया है, पर तुम्हारी चची जान, यू नो हाउ वेरी। अम्मी मैं आज ही बच्चों को सिखा रही थी कि इत्तेफाक में बरकत, अगर आप और चची जान हर वक्त लड़ती रहती हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो बेटा ये बात जाकर अपनी चची जान को समझाओ, शुरुआत हमेशा वो करती है। बस मैंने कह दिया है ना, अब आप लोगों में से ऊपर कोई नहीं जाएगा। ओके अम्मी। कुछ लोग वक्त आने पर बदलते नहीं, बेनकाम हो जाते हैं। कामयाब इंसान वो है जो किसी की फजूल बात का दुकान ना कर, फिर बेस्ट ऑफ। उफ, अम्मी वर्सेस चची जान फिर से शुरू। अम्मी ने नीचे जाने से मना कर दिया, अब मैं रायान के साथ एक्सबॉक्स और बैडमिंटन कैसे खेलूं? ये सब इस शिकायती टट्टू की वजह से हुआ। अब मैं चंदा अप्पे की कलेक्शन कैसे देखूंगी और सनी के साथ मनोपली कैसे खेलूंगी? मुझे शेरी भाई की शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी। क्या करना है अब? What about our today match? शेरी भाई, हेजल आ रही है, जल्दी आओ। हेजल आ रही है? हेजल? ये क्यों आई है? ठहरो। क्या करना है अब? What about our today's match? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉरी कह दिया ना शेरी भाई। ये यहाँ क्या कर रही है? अम्मी वो बेचारी जानवर है, उसको क्या पता आज हमारे घर में क्या रूल पास हुआ है। जी नहीं, ये भी एक नंबर की चालाक है तुम्हारी ताई अम्मा की तरह, किसी ना किसी मकसद से ही आई होगी। अम्मी मुझे हेजल के साथ खेलना है। मैं आपको न्यू पेट ला के दूंगी, हेजल के साथ आपने बिल्कुल नहीं खेलना। ओके चलो हेजल जाओ। चलो आप लोग अंदर चलो रूम में चलो। अम्मी अबू
और शेरी कहाँ हैं? खेलने नहीं आए? नहीं अबू, वो आज नहीं आए। ऊपर नीचे हर जगह कर्फ्यू नाफज। क्या बात है बेटा, बड़े चुप चुप हो, आज आप लोग नीचे खेलने नहीं गए? आपको पता है क्या गुल खिला के आए हैं आपके साहबजादे? क्यों, क्या हुआ? इस घर में जितनी भी बातें लीक होती है सब तुम्हारी वजह से होती है। और वो जो स्कूल में तुमने अली के साथ लड़ाई की थी उसका क्या, वो बात बताई मैंने किसी को? बच्चों अगर अम्मी को पता चला ना तो तुम्हारी सारी डॉल डस्टबिन में फेंक दूंगा। गजब हो गया। अब क्या हुआ है? वो अबू ने आपका मैथ्स का टेस्ट देख लिया। क्या?